नौजवान अबू जहल दा पुत्तर टुरिया टुरिया अपने बुत खाने आया, अपने पुत दे कदम फड़ के कहन लगा मेरे रब मैनू बचा ले, मैनू बचा ले, मेरे ते मुहम्मद ही निगाह पै गई है। कमली वाले दा नाम सुनया, पुत जमीन ते डिग गया, उहदे दो टुकड़े हो गए। पुत विचों आवाज आई, तैनू कौन बचावे, तेरे ते मुहम्मद ही निगाह पै गई है। अपने बुत खाने चो निकलिया, दरिया दे किनारे गया, मुड़ के कहन लगा मुहम्मद मर जावा, दरिया विच छलांग लगाई, दरिया दियां लहरां चुके पार छड्या। उन्हें दूसरी बारी छलांग लगाई, दरिया दियां लहरां चुके पार छड्या। उन्हें तीसरी बारी छलांग लगाई, दरिया दियां लहरां चुके पार छड्या। दरिया वल वेख के कहन लगा मैनू मारदा क्यों नहीं, लहरां च आवाज आई तैनू कौन मारे, तेरे ते मुहम्मद ही निगाह पै गई है। ते जिन्ना ते मुहम्मद बहुत छोटी सारी उम्र सी मेरी, मेरे वालिद गिरामी खतीबे पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद लतीफ आसी रहमतुल्लाह अलैह मैनू पुराने बुजुर्गों दी केसटां लिया के देंदे सन, फरमांदे सन सुनिया कर। उन्हां च इक केसट मौलाना अनायतुल्लाह सांगला हिलदे सी, तो मैं अपनी जिंदगी च अपने होश च आप दा दीदार ते ना कर सकिया, मगर उन अजीम शख्सियत चो हजरत पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहिब आलू महारवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत पीर सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह जैदी इमामुल खुतबा रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमामुल मुनादरीन अलामा मौलाना मोहम्मद उमर इछरवी रहमतुल्लाह अलैह, इमामुल मुनादरीन शेरे अहले सुन्नत हजरत मौलाना अनायतुल्लाह सांगला हिल रहमतुल्लाह अलैह। इन तमाम साडे जिहड़े असलाह बुजुर्ग सन उन्हां दी उस टाइम च केसटां चलदियां सन, ते मैनूं फरमांदे हुंदे सन इन्हां बुजुर्गां दी केसटां सुनिया करो, अकायद दी मजबूती वास्ते और खिताबत दे फन वास्ते और अपने ईमान दी ताज़गी वास्ते। इहो शख्सियत हन, अल्लाह उन्हां दे दराजात अपनी शान ते अपनी ज़ात ते लैके बेशुमार बुलंद फरमाए। तो मैं बचपन तों उन्हां दी आवाज़, उन्हां दा लहजा और मैं किताबां दे अंदर आप दे तज़करा, आप दे बड़े बड़े मिठे वाकियात मैं किताबां चों उलमा दे कोल सुने भी और पढ़े भी, कि आप माशाल्लाह वाकई अपने जिस्मानी लिहाज नाल भी शेर सन ते इल्मी लिहाज नाल भी शेर सन। तो सांगला हिल वाले तुसी बड़े खुशबख्त हो, किसी ने हजरत इमाम अबू हनीफा को पूछा सी कि तुहाड़ी उम्र कितनी है, आपने फरमाया 2.5 साल। आके हजूर वाल चिट्टे हो गए ने ते मजाक करदे हो, फरमांदे उम्र 2.5 साल है, फरमाया बाकी दा ते नहीं पता पर मेरी असल उम्र वही है जिहड़े 2.5 साल मैं हजरत इमाम अबू जाफर इमाम जाफर सादिक दी बारगाह च गुजारे सन। मदीने च इक कोठी पे विके ते बगदाद च कोठी विके ते पुछया मुल किन्ना है, आख्या 1 लख। ते दूसरे मोहल्ले इक कखां दी कुल्ली पे विके पुछया इहदा मुल किन्ना, आख्या 2 लख। आख्या कुल्ली लख दी, कोठी लख दी ते कुल्ली 2 लख दी क्यों, आख्या कुल्ली दा गवांड इमाम अबू हनीफा है, गवांड चंगा होए ते मुल वध जांदे ने। तुसी ते शहर ही अल्लाह वाले दे पे वसदे हो, बड़े खुशबख्त लोग हो, अल्लाह तुहाडे बख्तां नूं होर बुलंद फरमाए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ज़ुल्फ़े बल्लाल दे कुंडलां दा सदका हजरत अलामा मुफ्ती मोहम्मद अनायतुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह दे दरजात अल्लाह करीम अपनी शान ते अपनी ज़ात दे लायक बुलंद फरमा के उन्हां दी दीन दी खिदमत नूं अल्लाह करीम कबूल फरमाए और उन्हां नूं अजरे कसीर अता फरमाए। उन्हां दे फ़ज़्लो बरकातों अल्लाह सानू सब नूं हमेशा फैज़िया फरमाए। तुसी सारे सांगला हिल वाले मौलाना अनायतुल्लाह सांगला हिल दे मकरूज़ हो, याद रखियो वो तुहाडे ते अपनियां मुहब्बतां दा कर्जा चढ़ा के गए ने। हुण तुसी अज इस मरकज़ी अहले सुन्नत चो अपने अपने दिल च अहद लैके जाओ कि बहुता नहीं ना ते मैं अपने घर चो एक पुत्र नूं आलमे दीन जरूर बनावांगा, मैं अपने घर च एक पुत्र नूं हाफिज़े कुरान जरूर बनावांगा। वह जिहड़े कर्जे तुहाडे ते मुफ्ती साहब किबला इमामुल मुनाज़रीन चढ़ा के गए ने, उन्हां कर्जियां नूं इस मुहब्बत की सूरत उतारो कि अपनी औलादा नूं आलमे बाअमल बनाओ, अपनी औलादा नूं हाफिज़े कुरान बनाओ, दीन मुस्तफा दा पहरेदार बनाओ, अपने अपने वेड़े च एक एक बच्चा नबी पाक दे दीन वास्ते वक्फ कर दियो। इस मरकज़ अहले सुन्नत च या किसी भी
अहले सुन्नत व जमात दे जामियात दे अंदर बच्चा नो दाखिल करवा के ते उन्हां नू आलमे दीन बनाओ, नहीं ते जाओ जाके रात तकरीबन ढाई डेढ़ हो गया है, जाओ इत्थो निकलो ते लाहौर दाता साहब दे बाजारे अकदस ते जाओ, रात दो ढाई तीन बजे भी पहुंचो उत्थे कोई ना कोई बंदा बह के कुरान जरूर पढ़दा होवेगा। पता क्यों? जेडे जमीन दे उत्ते कुरान पढ़दे जांदे ना ओ जमीन दे नीचे टुर जांदे, उन्हां दीआं कबरां ते फिर भी कुरान ही पढ़िया जांदा। मोहब्बत कर दियो नौजवान आसी बरादरान दूरो नजदीक तो सारे पढ़न वाले बच्चे तशरीफ लेके आए ने। मेरी वारी रात दो ढाई तीन बजे आउंदी है, मैं भावे ग्यारह बजे पहुंच जावा, मैं भावे दस बजे पहुंचा, मेरी वारी आखिर ते तीन बजे आउंदी है, भावे पाकिस्तान होवा या पाकिस्तान तो बाहर होवा, मेरे वंड ते रखिया होंदा। ओ कहंदे ने असीं सब नूं आखिर ते लिया आ जाए, तुहाडी मेहरबानी है, तुसीं मुहब्बत फरमा दिओ, बैठे रहिंदे हो रात। मेरे बाबा जी हजूर ताजदार चूरे शरीफ फरमा दे, आ फरमा दे सन, क्योंकि किसे बाबे ने आखिया सी पानी भरन मटियारियां ते रंगा रंग घड़े भरिया उस दा जानी है जिस दा तोड़ चढ़े। तुहाडी मेहरबानी है, तोड़ चढ़ा दिंदे हो रोज़, तुसी रात डेढ़ बजे तक बैठे हो, यकीनन ढाई तीन बज जाने ने घर जाते, नींद भी आई है फिर भी नहीं जा रहे, सुबह काम काज भी जाना होगा फिर भी नहीं जा रहे, तुसी अपने बिस्तर छोड़ के आयो, अपने एसी वाले ठंडे कमरे छोड़ के आयो, इतने बगैर टेक लगा तो सारी रात बैठे रहे हो, तुसी फेसबुक व्हाट्सएप सोशल मीडिया फिल्म ड्रामे माँ बाप औलाद बाल बच्चा सब कुछ छोड़ के आयो, कि चीज है जिन्हें तुम्हें मजबूर किया कि तुसी सारी रात इसे आके फरिश्ते बगैर टेक दे बैठे रहे हो, असल जो तुम्हें इश्क की रमल की समझ आ गई है कि वह सुकून तुम्हें उन्होंने सारिया चीजा च नहीं मिलिया जिहड़ा तुसी जिक्र मुस्तफा विच लैवण आ गए हो। तो बाबा दस के गया कबर वाला कि बेलियो याद रखियो, सुकून जिक्र मुस्तफा ते जिक्र खुदा च गए। सैफुर रहमान साहब होवे कोठी होवे कार शाजी बंगला होवे बीवी बच्चे होवन बैंक बैलेंस होवे फैक्ट्री भी होवे सब कुछ होवे सुकून ना होवे किस काम कोठियां ते होवे कखां दी कुल्ली ते होवे सुकून फिर असल दौलत तो सुकून होया ना ओ सुकून लैन वास्ते तुसी इस मरकज़े अहले सुन्नत च अज रात सारी गुजारी है। यकीन करो इस रात का जो मुल पैना ना तो सा कयामत नु उस दिहाड़े ए तमन्ना करनी है काश मैं जिंदगी दी हर रात जिक्र मुस्तफा च गुजार के आ जाता। तुसी उस वेले जाग रहे हो जिस वेले अल्लाह वाले जागदे ने, अल्लाह वाले तो नहीं चलो अल्लाह वाले के कोल आके ते बह गए हाँ। मैं इंशाल्लाह मेरा दिल करता है मैं थोड़ा तुम्हें नबी पाक का जिक्र भी सुनावा इंशाल्लाह मैं तुम्हें माँ की शान भी सुना देवांगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारक पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया या अय्युहन नासु कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, फरमाया ए लोगों तुहाडे कोल बेशक अल्लाह दी दलील आ गई, व अंजलना इलैकुम नूरन मुबीना, और फरमाया कि असा इस दलील दे नाल एक रोशन नूर नाजल फरमाया। 1500 साल दी इस्लाम दी तारीख च उलमा दा इस बात इत्तेफाक है कि इस आयत मुबारक च लफ्ज बुरहान तो मुराद जात मुस्तफा है और नूरन मुबीना तो मुराद कुरान मजीद है। गोया अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों तुहाडे कोल मेरा महबूब मेरी दलील बन के आ गया जे। पढ़े लिखे संग लाहेल दे नौजवान तशरीफ फरमाओ, दलील हमेशा किसी दावे दी होंदी है और उसूल ये भी कि दावा पहले होंदा दलील बाद च होंदी है। मिसाल दे तौर ते कोई नौजवान उठ के कहे कि मैं हाफिज कुरान हां, ये ओदा दावा है। उसे पूछा कि अगर हाफिज कुरान है तो दलील की है, किवें मान जाइए कि तो हाफिज़े कुरान है, तो जे कुरान जुबानी सुना दे तो गल पक्की हो गई। अल्लाह ने फरमा के मेरा महबूब मेरी दलील बन के आ गया जे। अर्ज की या अल्लाह दलील बाद च होंदी है, दावा पहले होंदा है, वो दावा किहड़ा जिहदी दलील बन के मुस्तफा आए ने। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि दावा पहले मौजूद है,
फरमाया मेरा दावा है कि लैसा कमिस्ल ही शय, अल्लाह फरमाता मेरे वर्गी शय कोई नहीं, अल्लाह फरमाता मेरा दावा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे वर्गा माबूद कोई नहीं। अर्ज की थी या अल्लाह तेरा दावा है तेरे वर्गी शय कोई नहीं, तेरे वर्गा माबूद कोई नहीं, असा तेनो वेख्या कोई नहीं, याद दे सामने आप असी वेख के दसिए तेरे वर्गा कोई नहीं, ते या दलील दे असी ओ दलील तो मान जाइए कि तेरे वर्गा कोई नहीं। अल्लाह ने फिर अपना माही बना के भेजिया ते यार ते कुरान ना ते फरमाया पढ़ा कुरान जा कर सुभान अल्लाह। भाई अजे भी तू सुभान अल्लाह नहीं कहनी, मैं रात 2 बजे तक इस इंतजार च बैठा रहा कि बंदे सुभान अल्लाह जोड़ के रखन ते जड़ी जुड़ जावे मैं नाल ले जावां। गोडे छड़ो अपना ते नाल दे दा हाथ चौके सने स्टेज वालेयां इन्नी उच्ची सुभान अल्लाह फरमाओ के मदीने आबाद जावे। वेखो किन्ने ने हाथ खड़ा किया नाल दा पहली फड़ के चुक के जगा के हिला के बोलो सुभान अल्लाह। स्टेज वाले हो तुसी भी बोलो भाई सारे महबूस आनंद सांझाइए सारे बोलो सुभान अल्लाह। मैं दुआ कर रहा शाजी अमीन फरमान कबूल हो जाए या अल्लाह जेड़ा ऊंचा जो सुभान अल्लाह फरमाए इस साल अपनी अम्मी ते अबू नाल हज करके आवे। हुण जेड़ा इस तो ऊंचा बोले रमदान शरीफ सारा टब्बर मदीने गुजार के आवे। या अल्लाह जेड़ा इस तो ऊंचा बोले अज रात सोवे ते खा विच कमली वाला आ जावे। तेरा की जांदा जेड़ा इस तो ऊंचा बोले जाग दे महफिल च सोने दा दीदार करा दे। माशाल्लाह भाई हुण काम इत्थे रखिया जे फिर हौला बोले ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। अज गला खराब हो जाए सुबह लोग पूछन तेरे गले नु की होया आखी राती नबी पाक दा जिक्र होंदा रहा ते मैं सुभान अल्लाह ही कहंदा रहा। इलैकुम नूरम परवरदिगार ने फरमाया बेशक मेरा यार मेरी दलील बन के आ गया। आज अर्द की थी या अल्लाह कमली वाला दलील कि मैं बन गया। फरमाया मेरा दावा लई सका मिथली सही, फरमाया मेरे वर्गी शाह कोई नहीं, मेरे वर्गा माबूद कोई नहीं। फरमाया आओ आके मेरा माही बेख लो, मेरा माही बेख के मन ना पवेगा। जे मुस्तफा वर्गा कोई नहीं, खुदा वर्गा कौन हो सकदा। फरमाया मेरा दावा मेरे वर्गी शाह कोई नहीं, फरमाया मेरे वर्गा माबूद कोई नहीं। अर्द की दिया ला लोग पत्थर दे खुदा बना ले, लोग चन सूरज सितारे नु माबूद बना ले, लोग अपने वर्गे इंसाना की पूजा कर ली। अर्द की दिया ला कदे सामने आओ असी वेख के दसीए तेरे वर्गा कोई नहीं। फरमाया लोगो ला तुदरी को होला बुसार, फरमाया मेरी तो सूरत ही कोई नहीं, मैनू कोई अख वेख नहीं सकती। अर्द की दिया ला किवें पता चलेगा तेरे वर्गा कोई नहीं। फरमाया मेरी तो सूरत कोई नहीं, एक तस्वीर है जो दी बना के भेज देना। वेखी ओनो जाया जे मनी मैनू जाया जे, अल्लाह ने फिर अपना माही बना के भेजिया। फरमाया कमली वाले लोग मैनू वेखना है, फरमाया मेरी तो सूरत कोई नहीं, कमली वाले करें जलावांगे जुल्फ मैं तेनू दे देवांगा, कसम अपनी रख देवांगा, अख तेनू दे देवांगा, देखना अपना रख देवांगा, लब तेनू दे देवांगा, बोली अपनी रख देवांगा, कन तेनू दे देवांगा, सुनना अपना रख देवांगा, हाथ तेनू दे देवांगा, पकड़ अपनी रख देवांगा, कदम तेनू दे देवांगा, टोर अपनी रख देवांगा, सोने मुकदी मुका देव, सूरत तेनू दे देवांगा, बिच जलबा अपना रख दे। सूरत तेरी ते जलवा में जिंदाबाद। इना उची सुभान अल्लाह फरमाओ के इस मिजार तो उस मिजार तक आवाज जावे। मरकज़े आले सुन्नत ते शेरे आले सुन्नत दी बारगाह च बैठे हो, शेर बन के बोलो सुभान अल्लाह, हाथ चा के बोलो मैनू पता लगे मैं नबी पाक दे जूंदे जाग दे नौकर च बैठा। मैं जिस मुख दा जिक्र करन लगा अल्लाह करे अज राती सोइयां ते मुख नजर आ जावे। फरमा सोनिया सूरत तेरी होवेगी ते जलवा मेरा होवेगा।
कायनात वेखदी तेनू रवेगी ते मन दी मनू रवेगी। लोग वेखदे फिर मुस्तफा नू रहे ते मन दे खुदा नू रहे। जितनी मैं बहस की थी मेरा दिल करदा इहदा तर्जमा मैं पीरे बाहू कोल करवा के देवां। बे मुर्शद चुप रवे जिहदा मुर्शद अली ए, ओ बोले सुभान अल्लाह। आरफा दे सुल्तान उमदतुल कामिलीन कुतबुल मुकम्मलीन उमदतुल बा छुट गए कुल अजाबे हू। मेरे मिल्लत दे नौजवानों अल्लाह ने अपने माही नु बना के एडा सोहना भेजिया। फरमा सोने दुनिया वेख दी तेनू रवेगी ते मन दी मैनू रवेगी। मूसा कलीम अलैह सलाम ने अपना असा मुबारक सटिया तो अजदहा बन गया। उन्हें सारे फिरौन दे जादूगरां दे सप खा ले। जादूगर ने जो आ मंजर वेख्या तो कहन लगे कालू आ मन्ना बे रब्बी हारून व मूसा। कहन लगे मूसा मन गया तेरे रब नू मन गया तेरे तवज्जो मेरे बार रखियो मन गया तेरे रब नू। कमाल ते मूसा दा वेख्या ते कहना ते चाहिदा सी मूसा मन गया तेनू पर कमाल मूसा दा वेख के कहंदे ने मन गए तेरे रब नो। पता चलिया कमाल नबूवत दा वेख के लोग रब नो मन जांदे ने। नबियां दे मौजदे वेख के लोग रब नो मनदे ने। मुहम्मद दा मुख वेख के रब नो मनदे ने। ते कहंदे ने जे तू एडा सोहना है तेरा बनाउण वाला किन्ना कु सोहना होवेगा। सोहने जग ते बड़े आए पर मैं अज उस हसीन मुखड़े दा जिक्र करन लगा। उंज ते यूसुफ भी बड़े सोहने एडे सोहने सुनावा किड्डे सोहने सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। रात 2 बजे बंदा ना सुभान अल्लाह कहन जोगा रहिंदा है ते ना बंदा तकरीर कहन जोगा रहिंदा है। पर मैं तुहानू अर्ज कीता मेरी वारी इस वेले आउंदी है ते मैनू तजर्बा हो ही गया 24 साल किताबत कर करके पूरी दुनिया फिर के भाई इस वेले रात नू किवें बेलियां नू जगा के रखना है। ते मेरे कोल होर कोई कुलिया नहीं मैनू साईयां इक्को ही कुलिया देता है। उन्हां फरमा से पुत्र जा तेनू दुनिया वेखेगी। मैनू फरमांदे हुंदे सन पुत्र हजूर दा रवी जा दुनिया तेरी रवेगी। मैनू फरमांदे हुंदे सन पुत्र याद रखी जिहनू साईं वेख छड्डे ना उहनू सारे ही वेखदे ने। दुआ करिया करो साईं वेख छड्डन साईं वेख छड्डन। मेरी मिल्लत दे नौजवानों अल्लाह दे नबी हजरत यूसुफ अलैहि सलाम इतने हसीन सन कि आप मिस्र दी किसी अंधेरी गली चो गुजरदे ने ते पिछे कई कई दिन चानन रहंदे। इतने हसीन सन हजरत यूसुफ अलैहि सलाम इतने हसीन सन कि कई लोग हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नू वेख के मर गए कलेजे फट गए। मुफस्सरीन फरमाते ने जिस दिन हजरत यूसुफ अलैहि सलाम दी बोली मिस्र दे बाजार च लगी ना उस दिन सिर्फ बोली वाले ते बोली वाले सिर्फ वेख के कई हजार लोगों के कलेजे फट गए लोगों के दिल फट गए हजरत यूसुफ का जमाल वेख के। वाह मदीने ते ताजदारा फिर तेरे जमाल तू सदके जाइए। गल सुनाई ना देवा तुसी नहीं बोले नहीं तो मैं सुना देनी सी। और उच्चा बोलो सुभान अल्लाह यार हाथ चुके अपना भी ते नाल देता भी उच्चा करके बोलो सुभान अल्लाह। कौन है दीवानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीवानो। एक गल हजरत यूसुफ दे हुस्न दी सुन लो फिर मैं तुहानू हुस्न मुहम्मद सुना देवा। गिरामी कदर हजरत यूसुफ अला नबी अलैहि सलाम नु वेख के लोगों के कलेजे फट गए लोग मर गए। जब सुलेखा ने हजरत यूसुफ नु दिल दिता ना ते सहेलियां मेना मार के आख्या नहीं गुलाम नु दिल देता है। मलक तारिक साहब इतने मेरे बाबा जी ताजदारे चूरा शरीफ ने एक दिन मैंने फरमाया सैफुर रहमान साहब जुमला याद रखा जे मेरे बाबा जी इको जुमले की पूरी वंड कर देंदे हुंदे सन। आप फरमाते सन पुत्र इश्क उस दिन मुकम्मल होंदा है जिस दिन कोई यार दा मेना मारे। और जिन्हां नूं समझ आई वो तो बोलो सुभान अल्लाह। फरमाते सन इश्क मुकम्मल ही उस दिन होंदा है जिस दिन कोई यार दा मेना मारे। मैं ना जो पढ़िया करना जे यार दे नाम दा मिले मैं ना चोली पा लिए थले सुटिए ना जे यार दे नाम दी मिले सोली टल लिए पीछा हटिए ना
सहेलियां ने मैना मार के आख्या नहीं गुलाम नू दिल दिता ही। वो जड़िया मलका दियां सहेलियां होन गियां कोई आम औरतां ते नहीं ना होन गियां, वो भी को वजीरा दियां बेटियां ते बीबियां होन गियां ना। ते महबूब सोना वे ते नाज ते होंदा ना मेरा महबूब सोना। जुलैखा ने आख्या जाओ नहीं जाओ तुसा मेरा यूसुफ अजे वेख्या ही नहीं, ते जल्दी ना कह लगियां एडा ही सोना ते वखा दे। क्योंकि मुफस्सिरीन फरमाते ने उन्होंने दिल च भी ख्याल से उंज ते नकाब च रहिंदा नहीं नजरी आउंदा, चलो इंज ता वेखांगियां। जुलैखा फरमान लगी तुसी फरूट खाओ ते मैं यूसुफ लेके आई। जाके यूसुफ नूं अर्ज कीती आदरा मेरियां सहेलियां कोलों ते गुजरे आ जे। यूसुफ टुरे ना ते जुलैखा नूं ख्याल आया इह ते महबूब मेरा है ते महबूब ते नहीं ना खैरां नूं वखाई दे। नहीं समझे महबूब ते अपने जोगे हुंदे ने ना। इश्क बेच बड़ी गैरत होंदी है, जिहड़ा बेगैरत होवे ओह इश्क होंदा ही नहीं। इश्क बेच इन्नी गैरत होंदी है कि दिल करदा ए अखियां भी मेरे महबूब नूं ना वेखण, आ कन्न भी मेरे यार दी आवाज सुनन ना सुनन, ए दरम्यान च कोई होवे ही ना। ओह किसे हिंदी शायर ने आख्या नैनन में जो आन बसो तो मैं नैना झांप ही लूं, ना मैं देखूं और को ना तोहे देखण दूं। जमाल देखिया उन्हां दी उंगलियां कट गईयां, उंगलियां दे टुकड़े हो गए। कमली वालिया मैं तेरे हुसन को कुर्बान जावा, जिन्ना यूसुफ दा जमाल देखिया उन्हां दी उंगलियां दे टुकड़े हो गए। मुहम्मद दी उंगली देख के चन दे टुकड़े टुकड़े एडा ही सोहना बना के भेजिया ਉੱਤੇ ਹੁਸਨ ਵੇਖ ਕੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਉਂਗਲੀ ਉੱਠੀ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਹੁਸਨ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਗਲਾ ਹਿੱਲ ਮਰਕਜ਼ੇ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਮਰਕਜ਼ੇ ਜਾਮੇ ਮਸਜਿਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਵਾਲਿਓ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਦਾ ਦਿਨ ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਗੋਰਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਲਾ ਹਿੱਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਗੋਰਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਰੱਬ ਵੇਖੇ ਵੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਇਓ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਰੰਗੇ ਮੁਸਤਫਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਰੰਗ ਸੁਣਾਵਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਜੇ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਉਸ ਰੰਗ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰ ਰਹੇ, 10,000 ਸਹਾਬਾ ਤਵਾਫ ਕਾਬਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਾਫਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਜ਼ਾਲਾ ਬਿਨ ਉਮੈਰ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਤਨੇ ਰਸ਼ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿਸਨੇ ਮਾਰਿਆ। तवाफ करदा करदा खंजर लैके मेरे नबी दे करीब आया ते इस तरह करके जदों हमला करन लगा ना ते मेरे नबी दी निगाह उहदे चेहरे ते पै गई। ते जिहदे चेहरे ते पै जे मेरे नबी दी निगाह, हाए अख अख विच पा के तकिया सू मेरे दिल दे कर गया 100 टुकड़े। जिहदे ते पै जे मेरे नबी दी बाबा जी निगाह, एक गल सुनाई ना देवां जिहदे ते पै जे नबी दी निगाह। यार उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। एक दिन कमली वाले मक्के दी गली च जा रहे थे, सामने ओ ओ ओ अबू जाल दा पुत्र इकरमा आ रहा, वो भी निगाहां झुका के जा रहा, मेरे आका भी निगाहां झुका के जा रहे। अचानक मेरे नबी दी निगाह उठी, उधर इकरमा दी निगाह उठी ते अखां होईयां ना चार ते दिल आ गया। दिल आ गया उन इकरमा दे दिल विच जदों निगाह मुस्तफा दा असर होया ना,
मक्के दी गली च दौड़ता जावे ते लोगों नू खिलार के पुछदे ने करमा क्यों पिया दौड़ना है। कह लगा अब्बा जांदी वारी कह के गया सी मरनो मर जाई पर तेरे ते मुहम्मद दी निगाह ना पै जाए, पर अज मेरे ते मुहम्मद दी निगाह पै गई है। नौजवान अबू जहल दा पुत्र टुरिया टुरिया अपने बुत खाने आया, अपने पुत दे कदम फड़ के कह लगा मेरे रब्बा मैनू बचा ले, मैनू बचा ले, मेरे ते मुहम्मद दी निगाह पै गई है। कमली वाले दा नाम छलांग लगाई, दरिया दियां लहरां चुके पार छड्या, उन्हें दूसरी बारी छलांग लगाई, दरिया दियां लहरां चुके पार छड्या, उन्हें तीसरी बारी छलांग लगाई, दरिया दियां लहरां चुके पार छड्या। दरिया वल वेख के कहन लगा मैनू मारदा क्यों नहीं, लहरां च आवाज आई तैनू कौन मारे, तेरे ते मुहम्मद दी निगाह पै गई है, ते जिन्ना ते मुहम्मद दी निगाह जिंदाबाद जिंदा आमीन आमीन आमीन। ओ कोई मरदे सांगले वाले जो तुसा भी नहीं बोलना ते कश्मीर बने आके बोलना है, दस कदम ते कबर जाके वेखो भला को मरदे, जिन्ना ते निगाह मुहम्मद भी पै जे ओ कोई मरदे। ला यमूतू न वला कि यंतकिलू न मिन दारिल फना इला दारिल बका, तर्जमा इंज कमरा वा कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए। कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए। ओ कोई मर्द जिन्हें ते निगाह ही मोहम्मद दी पै जाए। गिरामी कदर हजरात मेरे नबी दी निगाह उठी, सुनावा गल थोड़ा जा हौला बोलो, बार आवाज नहीं जानी चाहिए, ते हाथ बिल्कुल नहीं झुकना मत किधर कोई शहीद ना हो जाए। यकीन करो कई बेली घरों सलाह करके आंदे रहे मौलवी ढिल ला ले, मैं नहीं बोलना, चवियां साल च उन्होंने मैं भी नहीं बुला सकिया, जेड़े बगैर सलाह दे सारे बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलना कोई हर बंदे दे बस दर हो गए। सियाने लोग कहते हैं कि बड़े लोगों के कद बड़े नहीं होंगे, बड़े लोगों के दिल बड़े होंगे, बात किरदार की होती है, वगरना कद में इंसान से साय भी बड़े होते हैं। तो पीरे बाहू ने फरमा दिल दरिया समुद्रों डूंगे, दिल दरिया वर्गा होवे समुद्रों डूंगा होवे, वे जिसके मोहम्मद दियां लहरां आउण सोणे दा नाम आ जाए सुभान अल्लाह आप पे निकल दी है। जिदे जिदे छीने चिश्के रसूल दी लहर उच्चा बोले सुभान अल्लाह। मेरे नबी दे तवाफ कर दिया कर दे ना इस तरह करके खंजर, ऐसा खंजर मारन लगा ना जदों फजाला बिन उमैर ते मेरे नबी दी निगाह दे चेहरे ते पै गई, हुण हुजूर दा जमाल ते जलाल उदी अख दा खुमार की सुनावा, उनकी आंखों की मस्तियां मत पूछ, मैं कदे डूब जाते उदी अख एडिया सोहनिया यार दियां अखियां ने जिवें भर के सुराइयां रखियां ने, एडियां सोहनिया यार दियां अखियां ने जिवें भर के सुराइयां। मौलाना मोहम्मद यार फरीदी रहमतुल्लाह अलैह
आप फरमाते ने तो अबरू यार दे खमदार वहवा खमदार दो अबरू यार दे खमदार बहवा ए तिखी तलवार जोहर तार बाबा दो अबरू यार दे खमदार बहवा अब बगरो उस्मान हैदर नबी दे चारे यार बहवा नबी दे चारे यार बहवा अली और फातिमा शबीर सबर रसूलुल्लाह दे अनबार बहवा रसूलुल्लाह दे अनबार बहवा तो अबरू यार दे खमदार इतना फरमा के मेरे नबी ने फरमाया फजाला मैं नबी हाँ ते नबी ने झूठ नहीं बोली दा नबी होंदा ही होवे जेड़ा बैठा फरश ते होवे ते गल अरश तो पार दी सुना देवे इतना फरमा के नबी करीम ने अपना युद्दल्ला वाला हाथ फजाला दे सीने ते रखिया ओ मेरी मिल्लत दे नौजवानों जिदे सीने ते रख देवे हाथ मेरा नबी तुसी नहीं बोले सुभान अल्लाह ओदे हाथ रब अपने हाथ आखे हो भी काफिर जेड़ा बखे आखे थोड़ा जा सांगले तो टुरिए ना लाहौर वाल दे रस्ते च एक बहुत बड़ा आस्ताना आंदा शरकपुर शरीफ उथे एक बहुत बड़ा इंजी बाबा हजरत मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह असर दी नमाज पढ़ के मुसल्ले ते बैठे ते मुरीद पुत्र नु नाल लेके आया ते कहन लगा मेरे पुत्र दा नाम हजूर ए हाफिज़े कुरान है ए दा नाम फतेह मोहम्मद है ते नमाज नहीं पढ़दे नु समझाओ मियां शेर रब्बानी फरमाते ने फतेह मोहम्मद नमाज क्यों नहीं पढ़दा कह लगा बाबा जी मेरा नमाज च दिल ही नहीं लगता आपने ए इस तरह करके शहादत दी उंगली उंदे दिल ते रखी ते फरमा जा दिल लगया करेगा सुभान अल्लाह जा दिल लगया करेगा फिर इंज दिल लगया इंज दिल लगया असर दी नियत करके खलोंदा मगरिबी हो जांदी है इशा दी नियत करके खलोंदा है फजर हो जांदी है ओदे सीने ते वली ने उंगली रखी है ओदा की हाल सामने गली आई उस गली च औरत मकान है फुजाला हर बिल वेखन वास्ते गली दे चक्कर लगांदा है अज कलमा पढ़ के निकले आओ सामने तुई औरत आ रही फुजाला निगाह मां झुका के गुजर गया औरत कहन लगी वे फुजाला अगे वेखन नु तरसदा रहा है अज वेखदा ही नहीं निगाह मां झुका के फरमान लगे बीबी जा जा तैनू की वेखा
ਵੇਖਣ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਲੈਵਨ ਫਰਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਵੇਖਾਇਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦੇ ਉਹ ਵੀ دیਵਾਨਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆ 15 ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ 3 ਵਜ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਕਿੰਨਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ دیਵਾਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਨਾ अल्लाह ने यार नु बना के एडा सोना भेजिया याद जी ओ माई मैं चूंकि मां दी शान भी सुना नहीं है ना तो मैं जल्दी जल्दी मां दी शान वल भी आवां याद जी ओ माई ओ ओ जड़ी मक्के दी मंडी ते गली च बैठी सी जेड़ा गुजरे उन्हें आखे वे वे पुत्र आ मेरी गठड़ी चुकायो तो जेड़ा गुजरे ना माई वल घोरी पाके वेख के गुजर जाए माई कोस रही थे माई आखे किड्डे बैठे हुए वे सुबह दी बैठी हाँ वे मैंने किसे गठड़ी भी नहीं चुकाई अचानक माई दी निगाह उठी थी ओ ओ ओ सामने एक मोड़ सोने जे मुड़िया ते माई दे लबज पता की निकलिया माई कहंदी वे सोने ओ बोले जनू लगदा वे ऐ जने हाथ चुके आखो वे या अल्लाह जेड़ा उच्चा बोले ओ नज दीदार होवे सवेरे आखे वे पहला जुमला निकलता जुमला यह होंदा सी लम अरा कबलहू वला बादहू मिसलहू वे सोने वे फिर बोलियो वे जे ते मैं ए वे सोने ते गल शुरू कर दी थी तकरीर इसे पासे टुर पैनी है पर मैं मुड़ माई वल लै आवां माई कहन लगी वे सोने मेरे आका करीब आके ते माई नू फरमा लगे जी अम्मा जी जी हुण ते जी अम्मा जी ए ते रिवाज ही मुक गया ना अम्मा नू ते जी कोई कोई कहंदा इक्को ही बंदा जिन्नू जी कहंदे हो सारे नु पता किनू कहंदे जियां नू जी कही जांदे ने दुआ करो अल्लाह करे मापिया नू भी जी कहंदी तौफीक रब दे ओ बड़े बख्तां वाले जेड़े मां नू भी जी कहंदे ते अब्बू नू भी जी कह के बुलांदे अज ते मामा रोंदियां ते बाप कुर लांदे माइयां वडेरियां मेरे को ला के कहंदियां आसी साहब तवीज लिख दियो मेरा पुत्र मैनू बुलांदा नहीं मैं कितों लैके आवा वो तवीज जरा माई ने देव पुत्र बता दे माई आके रो रो के मैं अपन दास्तान सुना दी ना कहती आसी साहब मेरा पुत्र मैं बुला नहीं मेरी मिलत के नौजवान मां की कदर पूछनी थे अज किसी इस इजतिमा च उस को पूछ जी मां टुर गई वी ईद गुजरी ना सारा जमाना नवे कपड़े पाके खुशियां पे मनाता सी ते जिन्हां दियां मावां या बाप तुर के ना ईद पढ़ के घर ते नहीं सन गए ईद दी नमाज पढ़ के कब्रस्तान गए सो सारा जमाना खुशियां मना लिया सी ते कोई मां दी कब्र ते बैठ के पिया रोंदा सी ते बाप दी कब्र ते बैठ के पिया रोंदा सी